पटना से है, जहां शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मगध विश्वविद्यालय में सेशन लेट होने के कारण छात्र आज सड़क पर उतर चुके हैं और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द 3 साल का जो स्नातक है उसे समय पर पूरा किया जाए। और ऐसे में सीधी मांग है कि सरकार से इनके पाठ्यक्रम को नियमित किया जाए और जो लंबित परीक्षाएं हैं उसको जल्द से जल्द कराने की मांग की गई है। राज्यपाल हमारे मांगे हम लोग को रिजल्ट दे और हम लोग को कोई मांग नहीं, हम लोग को राज्यपाल से मिलना है और हम लोग का सेशन कंप्लीट हो ताकि हम लोग कोई भी फॉर्म डाल सके। हम लोग कोई भी फॉर्म नहीं डाल पाते, हम लोग का सेशन कंप्लीट नहीं, 6 साल हो गया अभी तक हम लोग का सेशन कंप्लीट नहीं है। पिछले हम लोग जब 26 जुलाई को जब प्रोटेस्ट किए थे तो बोला था 4 अगस्त तक हम लोग का कोई भी सोल्यूशन निकले, अभी तक कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकला, तो हम लोग को सोल्यूशन चाहिए वरना बार बार हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हमारी मांग है कि हमारे सत्र को जल्दी से जल्दी नियमित किया जाए और लंबित परीक्षाओं को लिया जाए, रिजल्ट दिया जाए। हम लोग आज राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं, ये लोग मिलने नहीं जाने दे रहे हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वो कहते हैं कि जाके हम लोग राज्यपाल से मिलिए, और अगर हम आज हम लोग राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं तो ये हम लोगों को मिलने नहीं जाने दे रहे हैं। हम लोगों का जिंदगी बर्बाद करके रखे हैं, भविष्य हम लोगों का पूरा खराब हो चुका है, हम लोगों का मेंटली प्रेशर है, घर से इतना प्रेशर आता है कि क्या बताएं। हम लोग कोई भी फॉर्म नहीं भर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, सुसाइड करने का नौबत आ गया है। अगर आज ये लोग नहीं मिलने जाने देंगे तो हम लोग सुसाइड करेंगे। हमारी मांग है कि हम लोग को रिजल्ट जारी करे, रिजल्ट जारी करे नहीं तो हम लोग को प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि 3 साल हम लोग का हो गया है, हम लोग का 3 साल, हमसे 2 क्लास सीनियर उन लोग का भी हो चुका है, सबको प्रमोट कर दे सरकार यूनिवर्सिटी। हम लोग परमानेंट वीसी मांगते हैं, बार बार स्थायी वीसी नियुक्त कर देते हैं तो सुना नहीं जाता है, हर बार प्रोटेस्ट करते हैं, 4 लोग को ले जाते हैं, आश्वासन दे के छोड़ दिया जाता है, हम लोग फॉर्म से वंचित रह जाते हैं, पटना हाईकोर्ट वैकेंसी आया, सारा छूट रहा है। करे हम लोग का रिजल्ट